जय हिंद दोस्तों। दोस्तों पिछले एक से दो सप्ताह के बीच कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो चीन के विरुद्ध एक तरह का गठबंधन बन रहा है। उसमें एक इंटर पार्लियामेंट्री लॉ मेकर्स का एक प्लेटफॉर्म बना, जिसे किसी सरकार ने या सरकार की एजेंसी ने नहीं बनाया, लेकिन वह स्वतः बनाए। एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग विचारधाराओं के लेफ्ट के भी हैं और राइट के भी हैं, और साथ में एक ही देश की अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधाराओं के सांसद हैं, लॉ मेकर्स हैं। लगभग एक डजन लॉ मेकर्स का एक अलायंस बना है चीन के विरुद्ध, चीन की नीतियों के विरुद्ध। और यदि हम यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू करें तो इसमें चार रिपब्लिकन्स हैं और चार डेमोक्रेट्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो विचारधारा की सीमाएं हैं उसके परे जाकर यह गठबंधन बना है, और यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स को हटा भी दें तो भी इसमें लगभग एक डजन मुल्क हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, चेक रिपब्लिक है, जर्मनी है, इटली है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ग्रेट ब्रिटेन है, नीदरलैंड है, जापान है, और लिथुएनिया जैसा छोटा सा देश भी है। और इसकी खूबसूरती यह है कि इनकी जो अपोजिंग पार्टीज हैं, मुख्य जो विरोधी दल हैं, उनके दोनों दलों के, तीनों दलों के सांसद हैं इसमें। और लगभग अभी तक 100 से अधिक इसमें लॉ मेकर्स हुए हैं, वो बन चुके हैं, और ये बढ़ता जा रहा है प्लेटफॉर्म। और चूंकि यह अपने आप बना है तो यह एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश है बीजिंग सरकार को, कम्युनिस्ट सरकार को, कि केवल भारत ही नहीं, केवल यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं, दुनिया अब आपसे तंग आ चुकी है आपकी नीतियों से, जिस तरह के आपके चाल चरित्र चल रहे हैं उससे तंग आ चुकी है और आपके विरुद्ध खड़ी है। इसमें एक व्यक्ति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इनका नाम है ल्यूक डी पलफर्ड। ये ग्रेट ब्रिटेन के मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, और पिछले वर्ष जो हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे उसमें महीनों तक ये प्रोटेस्टर्स के साथ थे। ये भी सरकारी व्यक्ति नहीं है, इन्होंने काफ़ी परिश्रम किया इसमें कि अलग अलग देशों की अलग अलग पार्टीज, अलग अलग विचारधाराओं के सांसदों को एक प्लेटफॉर्म बनाने में। अब हमारे भी कुछ जो एनालिसिस हैं, ग्लोबल एनालिसिस, उसके आधार पर कुछ एडवाइसेस हैं जो मैंने अंग्रेजी के अखबारों के लिए लिखी हैं, ताकि ये इन सांसदों तक भी पहुंच सके और आपके साथ भी साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो इन सांसदों को इस मंच को खुला रखना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश का सांसद इसको ज्वाइन कर सके, वह सांसद जो मानव अधिकारों के नाम पर चाइना से प्रश्न करना चाहता हो। और इस अलायंस को केवल एंटी चाइना वैगन नहीं बनाए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, कूटनीतिक रूप से जो आजकल टर्म चलती है चाइनीज डिप्लोमेट्स के लिए, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेट्स, उनके लिए बड़ा आसान होगा यह कह देना और इसको साइडलाइन कर देना, यह प्रोपोगंडा करके कि ये तो पश्चिमी देशों का एक अंग है जो चीन की, और जो चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बनाया गया है। इसके बनिस्बत यदि ये बार बार डिबेट करें अपने हर दे अपने अपने देश में अलग अलग पार्टीज के विभिन्न जो प्रतिद्वंदी पार्टीज हैं उनके नेताओं को एक मंच पे रख के इस बात पर बहस करें, इस बात पर प्रश्न करें चीन से, उनके जो एम्बेसडर हैं चाइना के उनकी कंट्री में उनको लिख कर भेजें कि आप जिंगजियांग में क्या कर रहे हैं उगर मुसलमानों के साथ, आप हांगकांग में क्या कर रहे हैं जो आपके हैं चाइनीज लोग हैं, वह तिब्बत में क्या कर रहे हैं, आप जो अर्स्टवाइल मंचूरिया था
उसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है, आप इनर मंगोलिया में क्या कर रहे हैं, आप जो नदियों के पानी को रोक रहे हैं 8-10 देशों के, उसके विषय में उनसे पूछा जाए। नदियों पर दूसरे देशों के हिस्से का पानी, उस पर आप बांध बना रहे हैं, उसके विषय में पूछा जाए। जब यह प्रश्न किए जाएंगे इन लोगों से, चीनियों से, तो इनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो फिर कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना के रिकॉर्ड मानवाधिकार को लेकर बहुत खराब है। इसलिए यदि इनको चुप करना है, इनकी जो पीआर है उसको खराब करनी है, तो इनको मानव अधिकार के नाम पर प्रश्न करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि इन लॉ मेकर्स को, इनके लिए आसान भी रहेगा क्योंकि इसमें प्रतिद्वंदी पार्टीज के लॉ मेकर्स हैं, तो जो अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं उनमें बैलेंसिंग करें, क्योंकि हर कंट्री का अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन जब आपको चीन से लड़ना है तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि दोनों पार्टी, या तीनों पार्टी जो देशों में है, मुख्य विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी, उनके लॉ मेकर्स हैं, तो ये बैलेंसिंग हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप आउटरीच करें डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके सांसदों को जोड़ें एशिया के और प्रमुखता से अफ्रीका के, ताकि चाइनीज इन्फ्लुएंस जो वहां पर है उसको काउंटर कर सके। और आपको इंटैक्ट रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए सबसे अच्छा गोंद जो है वह चाइनीज डिप्लोमेट ही है, जो मेड इन चाइना, जो गैंग वॉरियर डिप्लोमेट्स पैदा हुए हैं आजकल, वह जो कि डेंग ज़ियाओपिंग के समय के डिप्लोमेसी से बिल्कुल भिन्न है। डेंग ज़ियाओपिंग के समय जो चीनी डिप्लोमेसी थी वो तो इतनी खामोश रहती थी कि इन्होंने टाइमिनियन स्क्वायर कर दिया, उसके कुछ महीनों बाद जितने सैंक्शन थे वे भी हटवा लिए दुनिया भर से, और चाइनीज डिप्लोमेट इतना कम बोलते थे कि देश अलग अलग लोगों को हायर करते थे बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए। अभी लेकिन चाइनीज डिप्लोमेसी जो है वो बिल्कुल आक्रामक चल रही है, और वह आक्रामकता का गोंद जो है वो दूसरे दूसरे देशों को, उनकी अलग अलग पार्टियों को अक्रॉस द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जोड़े रखेगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं इन लॉ मेकर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।